नमस्कार बीचा उनकी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बॉलीवुड की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने कनाडा स्थित घर पर देर रात हमला किया था। उन्हें एक फेसबुक पोस्ट के जरिए धमकी भी दी गई थी। धमकी में गिप्पी से कहा गया था कि क्योंकि वो सलमान खान के दोस्त हैं इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। अब इस मामले में नया अपडेट आया है। मुंबई पुलिस ने सलमान की सिक्योरिटी का रिव्यू किया है, वहीं उस फेसबुक पोस्ट करने वाले अकाउंट को भी खंगाला गया है। मामले की जांच करते हुए मुंबई पुलिस ने एक्टर सलमान खान की सिक्योरिटी का रिव्यू किया, वहीं उन्हें इस धमकी के बारे में सूचित किया गया। मुंबई पुलिस ने इस फेसबुक वाली धमकी के बारे में सलमान को इन्फॉर्म किया। उत्तरकाशी की सुलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सक्सेसफुली 17वें दिन सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये सभी मजदूर 12 नवंबर से सुरंग में फंसे थे। 400 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में कई चुनौतियों और देरी का सामना करने के बाद मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के टास्क को पूरा किया गया। सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स ने रेस्क्यू टीम की तारीफों के पुल बांधे। खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय ने इसे न्यू इंडिया बताया है। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर लिखा, ये जानकर खुशी और चैन मिला कि फंसे हुए 41 लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू टीम के हर मेंबर को मेरा सलाम, ये एक नया भारत है और हम सभी बहुत गर्व महसूस करते हैं। जय हिंद। रणवीर कपूर रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म एनिमल अनाउंसमेंट के बाद से सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। हाल ही में सेंसर बोर्ड में इसे ए यानी एडल्ट ओनली का सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन अब खबर है कि फिल्म के कई सीन्स पर बोर्ड ने एतराज जताया है। संदीप वांगर रेड्डी के डायरेक्शन में बनी एनिमल खूब सुर्खियां बटोर रही है। वहीं फिल्म के लीड कैरेक्टर्स के बीच दिखाया गया रोमांस और किसिंग सीन्स भी हॉट टॉपिक बने हुए हैं। फिल्म में पहली बार रश्मिका और रणवीर की जोड़ी देखने को मिलेगी। फैंस तो बेहद एक्साइटेड है, लेकिन इसे देखने के बाद सेंसर बोर्ड थोड़ा नाखुश नजर आया। उन्होंने मेकर्स को उसमें काट छाट करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। अपने फिल्म के प्रमोशन के चलते शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान लगातार मीडिया में इंटरव्यू दे रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया है जिसमें उन्होंने आलिया भट्ट को अपना रोल मॉडल बताया है। उन्होंने कहा कि आलिया ने अपनी वेडिंग साड़ी नेशनल अवार्ड में रिपीट की थी। मुझे लगता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसा करना बहुत ही शानदार है। अगर आलिया अपने कपड़े रिपीट कर सकती है तो हम क्यों नहीं, हम भी किसी पार्टी में अपने आउटफिट रिपीट कर सकते हैं। उन लोगों तक भी ये मैसेज जाना जरूरी है जिसके लिए उन्होंने स्टैंड लिया है। रणवीर कपूर इन दिनों फिल्म एनिमल को लेकर चर्चा में। मूवी 1 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज हो रही है। हालांकि इस दौरान वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं भूले। रणवीर ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर परिवार के साथ कुछ वक्त बिताया। हाल ही में रणवीर की साली साहिबा शाहीन भट्ट का बर्थडे था। पूरे कपूर और भट्ट खानदान ने साथ मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान एनिमल फिल्म के प्रमोशन से समय निकालकर रणवीर कपूर भी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। बॉलीवुड एक्टर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। फिलहाल बी टाउन की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।